में स्टडी क्या था ना, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जैसे बायोस्फीयर, इकोलॉजी डिस्कस किए थे। और इकोसिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़े थे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, है ना, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का स्टडी किए। तो लास्ट क्लास में और आगे आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे इकोसिस्टम काम करता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फंक्शन। सो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम मींस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज, है ना। मतलब इकोसिस्टम क्या है, जैसे ये क्लास भी एक इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो जितने भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं उसी को इन्वॉल्व करके डिस्क्रिप्शन है स्ट्रक्चर। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रॉम ए स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। तो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, कैसे स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे, स्टडी करेंगे इकोसिस्टम का, तो इसका मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, यही ना है स्ट्रक्चर। और क्या हो सकता है इकोसिस्टम का, तो स्ट्रक्चर मींस है ना ए बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, इसी से पूरा इकोसिस्टम का यही स्ट्रक्चर है, लिविंग नॉन लिविंग, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। और इसी के बीच में क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से इंटररिलेटेड है ना, तब ये इकोसिस्टम काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, है ना। तो इसी से पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इकोसिस्टम का, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम हम लोग क्या उसका डेफिनेशन में पढ़े थे, इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवनिंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। और दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है और इंटर डिपेंडेंट, जल्दी आओ। ठीक है, बट अब नाउ कम, तो अब इसमें देखेंगे, इसको जब हम विस्तार से स्टडी कर रहे हैं तो इसमें और एग्जांपल आप देख सकते हैं, कौन कौन से टेम्परेचर, ठीक है, सॉइल, वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सारा आपका जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। लिविंग कंपोनेंट्स में देखिएगा, है ना, प्रोड्यूसर्स, है ना, फर्स्ट कंज्यूमर्स और डीकंपोजर, ठीक है, डीकंपोजर। तो लिविंग कंपोनेंट हो गया जो प्रोड्यूस प्लांट एनिमल्स, है ना, यही ना आएगा। बायोटिक में क्या होगा, लिविंग कंपोनेंट। तो इसको जब हम विस्तार डीपली स्टडी करेंगे तो स्ट्रक्चर में बहुत इसका है ना वाइड एक्सटेंशन, वाइड इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो लिविंग कंपोनेंट क्या, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, है ना, अब कुछ है तो है डीकंपोजर्स है इकोसिस्टम, है ना। तो इसी को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे कि बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर का क्या रोल है, है ना, ये कौन होता है प्रोड्यूसर, इस इकोसिस्टम में मेन जो है प्रोड्यूसर्स कौन है, ठीक है, कंज्यूमर्स कौन है, डीकंपोजर का क्या रोल है। तो स्ट्रक्चर आएगा लिखने के लिए तो आप यही लिखिएगा, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। आपको एक्सप्लेन ऑल पॉइंट ए बायोटिक और एबायोटिक, फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा बायोटिक में कौन सा आएगा, लिविंग कंपोनेंट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स क्या हो गया, जल्दी बताओ, प्रोड्यूसर्स
इंपोर्ट ऑल ग्रेन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हो गया है ना, जो अर्थ पे सबसे इम्पोर्टेंट खाना कौन पहले प्रोड्यूस करता है, ग्रीन प्लांट रबी सिस्टम स्कीम है ना, एक दूसरे से रिलेशन है, तो प्रोड्यूसर्स होंगे इट इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स, लिख लो प्रोड्यूसर्स का डेफिनेशन, ठीक है, तो प्रोड्यूसर किसको कहें, इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स व्हिच मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स, कितना भी है वो प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि वहीं से खाना है ना इस इकोसिस्टम में प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स व्हिच मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद तैयार करता है, व्हिच मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, व्हिच मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है ना, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और इसके लिए सन का है ना, सन एनर्जी बहुत जरूरी है, सनलाइट, ठीक है ना, बायो फोटो, तो पौधा खाना कैसे तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है ना, वाटर CO2 है ना, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक है उसका वो प्रोड्यूस कर देगा खाना, तो मेन प्रोड्यूसर इस इकोसिस्टम में क्या हो गया, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाला बहुत सारे है ना, तो नाउ कंज्यूमर्स हो गया, दो तरह का कंज्यूमर्स हो, तीन तरह का कंज्यूमर्स होता है, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको कहा जाता है हर्बीवोर्स, ठीक है, नाउ राइट ऑन नेक्स्ट द प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में भी तीन तरह का ही है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है, तीन टाइप का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स इट इज आल्सो नोन एज हर्बीवोर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या कहा जाता है, हर्बीवोर्स, जो ग्रीन प्लांट को खाता है, ठीक है ना, नाउ कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स हो गया, अब तो उसको कंज्यूम करने वाला होगा ना, तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट फूड प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब उसको कंज्यूम करने वाला इस इकोसिस्टम है, तो तीन तरह का कंज्यूमर्स है, एक होता है ओनली ग्रीन है ना, जिसको वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है ना, तो वो हर्बीवोर्स में आ गया, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो लिख लो प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, इट इंक्लूड प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड हर्बीवोरस एनिमल्स, जैसे गोट है ना, काउ, जो प्लांट को खाने वाला, जो ग्रीन प्लांट को खाकर जीवित है, ठीक है, वो एनिमल फ्लेश को मीट नहीं खाता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, याद करना, और उसको क्या कहते हैं, हर्बी, ये सब बायो का है, ठीक है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस वो ऐसा हो गया एनिमल जो ऑर्गेनिक जो ओनली ग्रीन प्लांट को कंज्यूम करता है, ठीक है, कोई मीट नहीं खाता, जैसे गोट या काउ बफेलो भैंस है ना, वो सब क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स खाएगा है ना, बहुत सारा ऐसे नेचर में है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, नाउ अब प्राइमरी उसके बाद हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, इसको कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है, नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, कार्निवोरस, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस, कंज्यूमर्स तीन टाइप का हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो ओनली ग्रीन प्लांट को खाता है उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है कार्निवोरस, वैसा लिख लो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होगा, दे दिस इंक्लूड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है ना, कार्निवोरस आर दोज ऑर्गेनिक दैट ईट फ्लेश है ना, मीट ईटिंग एनिमल्स है ना, वैसा कार्निवोरस उसको उसको कहा जाता है जो मांस खाने वाला है, ठीक है ना, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स उसको क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे, अब इसमें एग्जांपल लिख लो, flesh eating all flesh eating animals उसको कहा जाएगा carnivores, ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखोगे है ना, जैसे टाइगर है ना, एग्जाम्पल लायन, स्नेक, उसका जो भोजन क्या है वो एनिमल ही है, वो
इसको नहीं खाएगा, ठीक है, वो घास नहीं खाएगा, इसलिए इसको सेकेंडरी कर, इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो अब काउ कौन खा करता है, लायन खाता है, टाइगर शिकार करता है ना, तो वैसा एनिमल इसको सेकेंडरी कर। तो कार्निवोरस आर प्लेस ऑब्वियस ईटिंग एनिमल, जो वो करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड है ना, ये सब क्या है, प्लेस ईटिंग एनिमल। नाउ उसके बाद थर्ड वाला जो है टर्शियरी कंज्यूमर, इसको कहते हैं टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर, और कहते हैं टॉप कार्निवोर। ठीक है, टॉप कार्निवोर। अब कुछ ऐसे एनिमल हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर प्लेस ईटिंग एनिमल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। टॉप कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच डिपेंड ऑन सेकेंडरी कार्निवोर्स, है ना, है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा है, जैसे वल्चर या हॉक, ठीक है, हॉक क्या करता है, इसी जो गिर है ना, जो प्लेस खाता है ना, वो मांस ईटिंग वाला, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हॉक हो गया, मंगूस हो गया, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, ये तो क्या करते हैं लोमड़ी, नहीं हिंदी में मंगूस, ठीक है, वो स्नेक, जो स्नेक ने उनका खा रहा था, वो क्या स्नेक किसको खाता था, दूसरे को मॉस को खाता था, मॉस को खाने वाला स्नेक हो गया, स्नेक को खाने वाला मंगूस हो गया, वो क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, नेवला, हाँ नेवला, नेवला किसको खाएगा, है ना, सांप वाला, उसका मेन शिकार वो है, क्योंकि सांप क्या है, एक कार्निवोर्स का सेकंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कुछ ऐसे हैं जो नेचर में इकोसिस्टम में टॉप पे, वो दूसरे कार्निवोर से एनिमल है, एनिमल को खा के जीवित रहता है ना, जैसे हॉक, हॉक किसको खाएगा, है ना, सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्निवोर को खाएगा, मंगूस है ना, नेवला को ये खा के जीवित रहे। तो इस तरह से इकोसिस्टम में क्या है, ट्रॉपिक लेवल है ना, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, जो सबसे नीचे जो होता है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर, उसी के ऊपर अलग अलग लेवल बना हुआ, ठीक है, और एक दूसरे से रिलेटेड है ना। आप देखो ये तो हो गया मेन हमारा डिफरेंट बायोटिक फैक्टर, इसी में कुछ है ना डिकम्पोजर्स भी होगा, ठीक है ना। और देखो जब फिगर देखोगे तो बुक में देखोगे क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना, सन जो है मेन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट लिया, खाना तैयार किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग, उसके बाद देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया है ना, प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया है ना, थर्ड एक टॉप लेवल का भी है जो फिर वो कार्निवोर्स को खाने वाला है, सबसे उस तरह का भी है इकोसिस्टम लेवल। और जब अब देखो ये जो है, अब जितना भी बायोटिक फैक्टर्स है कभी ना कभी वो डेड होगा, मरेगा है ना, तो देखो सारे में से एरो से बनाया हुआ डेड, डेड रिमेंस, वो ये भी डेड होगा, प्लांट भी डेड होगा कभी ना कभी, प्राइमरी हर्बिवोर्स भी होगा, सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कभी कभी मरेगा, और टॉप लेवल का भी मरेगा, और इसको इसको भी अपडेट रिमेंस, कुछ ऐसे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म है जो डेड डेड बॉडी को खा के जीवित है, ठीक है। आप जैसे उसको बताओ है ना, उसको कहते हैं एस्केवेंजर, ठीक है ना, वो डिकम्पोजर, उसको कहते हैं डिकम्पोजर, मतलब नेचर में देखो क्या सिस्टम बना हुआ है, अगर डिकम्पोजर नहीं होता तो क्या होता, कितना डिजीज फैल जाता नेचर में, है ना। लेकिन आप देखो डेड रिमेंस को भी खाने वाला है, यहाँ पे सिस्टम बना हुआ, उसको एस्केवेंजर कहते हैं। तो उसका नाम बताओ, ये उसको डिकम्पोज डेड बॉडी को, और उसको बहुत जरूरी है, अदरवाइज एपिडेमिक फैल जाएगा, महामारी फैल जाएगा। तो नेचर में डिकम्पोजर भी है, वो कौन है, जैसे वल्चर, की है ना, क्रो है कि नहीं। अब और उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, लास्ट में जो डेड हो जाता है, जब सेल मर जाता है तो क्या बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है, तो डिकम्पोजर हो गया, मतलब डिकम्पोजर वैसा हो गया जो डेड बॉडी के ऊपर फिट करके जीवित है, बैक्टीरिया का वही ना काम है। वल्चर गिर तो ना, गाय भैंस मर जाता है तो खाता है, तो अब तो गायब हो गया, वर्चुअल पूरा इंडिया से गायब है,
क्योंकि क्यों गायब को क्या मालूम है, जब इसका कोई रीजन बताएगा वाई। जो पहले गिफ्ट जो होता था जिसको हिंदी में चीफ बोलते थे, रूरल एरिया बड़ा सा, वो डेड बॉडी जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी जानवर है ना वो मर जाता था तो एक जगह फेंक दिया जाता था, वो गिफ्ट उसको देख के आ जाता पूरा डिकम्पोज खा जाता। तो अब गाय हो गया है, कहीं नहीं मिलता है, इंडिया से है ही नहीं है, तो क्या है, क्या वजह है, कौन बताएगा? ग्लोबल वार्मिंग जैसे गाँव मिर्चिंग होता है ना दूध देने वाला, गाँव हो गया, बफेलो हो गया, उसको आजकल क्या है जबरदस्ती जो डेयरी फॉर्म है ना, जबरदस्ती जो है बहुत सारा मिर्चिंग आ रहा है ना, इंजेक्शन आ रहा है, क्या हो रहा है उसके बच्चा को मार देगा गाय को, अगर गाय बच के बच्चा रहेगा तो उसको दूध दिएगा ना तो मोस्टली कंज्यूम कर जाएगा। तो आजकल प्रोफेशनल आदमी हो गया है तो सुई यूज करके उसमें वो है ना वो हार्मोन होता है, वो हार्मोन को इंस्टिगेट करता है और ज्यादा दूध देता है। तो गाय को आजकल सुई दे देके इतना सुई दिया जा रहा है अधिक दूध पालने के लिए कि जो मरने को जो वल्चर जो खाता था ना वो भी डेड हो जा रहा है। यही मेन वजह है वो इंजेक्शन इसके था। अब वो उसके तो बॉडी में तो रहेगा ना चेहरा वो, ठीक है, जो आज देखो दूध वाला वो इंजेक्शन वाला दूध इसीलिए मत पीना, कहा जाओगे, लेकिन आज तक दूध वैसा ही मिल रहा है। तो इसलिए देखो वल्चर पूरा गायब हो गया, वो डिकम्पोजर स्कैवेंजर के रूप में काम करता है, क्यों, क्योंकि हार्मफुल इंजेक्शन गाय और बफेलो को दिए तो किया जा रहा है, प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क, ठीक है, और दूसरे में कहना पर्यावरण या एनवायरमेंट को ठीक कर रहा है, एक ने कहीं ना दूसरे हम लोग को भी हमारे आजकल जो इतना डिजीज हो रहा है ह्यूमन बींग को यही ना है। पहले लोग प्योर फूड खाते थे, अब प्योर फूड कहाँ मिलता है, तो जितना एडवांस होगा, जितना जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को ही वो प्रभावित करेगा। पहले लोग 80-90 साल की था गांव में, अब लोग 70 साल के बाद ही हड्डी लगता है कमजोर हो गया, 60 साल में ही लोग का हड्डी कमजोर हो गया, ऐसा नहीं था क्योंकि लाइफ स्टाइल हो गया है, वो प्योर फूड वी आर नॉट टेकिंग, नेचुरल जो फूड होता है। पहले क्या था, देखो आज कल्पना करो जो पहले ह्यूमन बीइंग अर्ली ह्यूमन बीइंग नेचर का दिया हुआ चीज को खाता था, ठीक है ना, तो हमारा ह्यूमन बॉडी ये जंक फूड खाने के लिए नहीं बना है, ठीक है ना, नेचर ने वैसा नहीं बनाया है। लेकिन आजकल लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया है, जंक फूड है ना, पिज्जा बर्गर डियर फाइव क्वालिटी और भी मजा है, और बंगाल के लोग तो और टीवी पर केक खाता है, और वो क्या होगा कहीं ना कहीं गैस का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बंगाली लोग सबसे ज्यादा गैस को जाओ ना उधर हैदराबाद का बहुत फेमस है, वो सब बंगाल का लोग भरा हुआ है, यही प्रॉब्लम है ड्यू टू दी जंक फूड, एवरी ईयर विल फाइंड ईयर केक शॉप, लेकिन हम कहीं इतना केक शॉप नहीं देखे। तो ये तो कहीं ना कहीं अपने जहर शरीर में पॉइजन डाल गया, दे आर टोटली पॉइजन, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन वो लंबा समय बाद में सारा बीमारी का भी है। तो पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सा उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसलिए बता रहे थे डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स का भी रोल है, डिकम्पोजर्स नहीं रहेगा तो क्या, और डिकम्पोजर्स क्या होता है सड़ाता है और वो वाइन में न्यूट्रिएंट भी जो है कुछ मिक्स करता है,
को इस तरह से पूरा जो नेचर में जो है एक सिस्टम बना हुआ है ना, उस तरह ये हमारा इकोसिस्टम पूरा काम कर रहा है ना। एक लेवल कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहा है खाना, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसको टॉप लेवल है, कोई डीकंपोजर है, तो इस तरह से एनर्जी फ्लो होते रहता है ना। एनर्जी कहाँ से बना, यहाँ पे ये एनर्जी प्रोड्यूस किया और यहाँ से टॉप लेवल पे आ गया, ठीक है। डीकंपोजर फिर उसको डीकंपोज फिर स्वाइल में न्यूट्रिएंट गया, स्वाइल न्यूट्रिएंट को फिर प्लांट यूज किया। तो देखो सिस्टम वाइज सर्कुलर ओपन सिस्टम है, मूव करते रहते हैं। और मेन जो एनर्जी इनिशियल कम कर रहे हैं सर, सर ही मेजर सोर्स पर, सर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, होगा नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, खाना तो हम लोग नहीं, प्लांट अगर प्रोड्यूस नहीं करे तो हम लोग को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो कितना रोल है इकोसिस्टम का, तो इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर, है ना, और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम।